गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं 1 और हम निकले हैं रेस्टोरेंट घूमने खाना खाने के लिए। लंच भी तो करना है ना, फिर हम लोग कहीं पर घूमने जाएंगे, जू, म्यूजियम, ऐसे टाइप जगह में। और कल तो एक मज़ेदार जगह में जाने वाले हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं। यार मम्मी बोल रही है छतरी लाइए, तो अच्छा हुआ है या नहीं। ये देखिए हम लोग छतरी के अंदर ही है, तो बहुत धूप है बाहर। और मैं कैसे लग रही हूँ, मैंने खुद मेकअप किया है। अभी हम लोग खा रहे हैं हैदराबाद बिरयानी, लंच में यही है। फिर हम लोग जाएंगे, आप देख सकते हैं कितनी गर्मी धूप है। अभी हम आ गए हैं सिटी सेंटर मॉल। ये मॉल बहुत सुंदर है, एकदम दिल्ली की तरह, दिल्ली की तरह। फोन कवर $100 বন্ধ তো स्पेस बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने देखा सोलर सिस्टम, फिर अर्थ, वेनस, बहुत कुछ। मैं बोल ही नहीं सकती आप लोगों को। मैं एक चीज़ आप लोगों को बोल सकती हूँ कि आप जब भी आएंगे गुवाहाटी में, ये सिटी सेंटर मॉल में ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छा मॉल है, आप लोग यहाँ से कुछ बाय भी कर सकते हैं। और मुझे तो ये देख के बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी आया कीजिएगा। तो मैं ये एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। Thank you.
हम लोगों का घूमना हो गया है मॉल में, अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो मॉल से निकलने के बाद हमने देखा गुआवा, और देखना तो सिर्फ नहीं है, खाना भी है, ठूसना भी है। तो हम लोग आ गए तुरंत खाने। तो एक गुआवा का प्राइस है 20 रुपीज़, और वो काट कर मसाला दे रहे हैं इसलिए उन्होंने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया, इसका मतलब 30 रुपीज़। देखिए महंगाई का ज़माना। फ्रेंड्स, हम लंच करने के बाद बहुत टायर्ड फील कर रहे थे इसलिए हम लोग घर चले गए। फिर हम थोड़ा सोए, तो अभी जाके फ्रेश लग रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी के विशाल में। पहले तो हमें लग रहा था विशाल में हम लोग बहुत कुछ शॉपिंग करेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर घुसने के बाद हमें बहुत गर्मी लग रहा था। देखिए कितना लोग है, कैसा लग रहा था। फिर हमें कुछ चीज़ें पसंद भी आया था, लेकिन क्या करेगी, 2 घंटे कौन रुकेगा बिलिंग के लिए, देखिए कितना लंबा लाइन है। इसलिए हम लोग विशाल से निकल कर हम लोग चले गए लोकल मार्केट में। फ्रेंड्स, तो अभी मुझे समय मिला है कि आप लोग को मैं ये होटल रूम दिखाऊं, ये होटल कैसा है। इतना देर से मुझे टाइम ही नहीं मिला, होटल में आई ड्रेस चेंज करके घूमने चली गई। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा ये होटल टूर करवाऊंगी। यही दरवाज़ा से अंदर घुसती ऐसा नज़ारा दिखाई देता है, और मम्मी बेड पे सो रही है। तो ये सिंगल रूम ही है, और यहाँ पे एक बड़ा आईना है। इस होटल का नाम है होटल गीतांजलि। यहाँ पे टीवी भी है, और ये छोटा सा कवर्ड एक्स्ट्रा पिलो है, दो पिलो है, और यहाँ एक एक्स्ट्रा पिलो है। और फिर यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे चीज़ें रख के हम लोग मेकअप कर सकते हैं। और यहाँ पे है बाथरूम, और बाथरूम में पापा गए हुए हैं। ये देखिए, यह है टेलीफोन, इसमें हमें नंबर डायल करके कॉल करके हमें बुलाना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है खाने का। ये रहा खाने का मेन्यू। यहाँ पे बेड भी बहुत बड़ा है, मम्मी बोल दिया। अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करके फिर से बाहर जाएंगे। अभी हम लोग शॉपिंग करके आए हैं, लेकिन मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है, एनर्जी नहीं है कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। वो मैं डिब्रूगढ़ जाके दिखाऊँगी, या फिर अगर समय मिले तो। अभी मैं और मेरी मम्मी अभी रेस्ट करेंगे। अभी मम्मी पापा ताला मार रहे रूम पे, और अभी हम जाने वाले हैं डिनर करने। अभी 9:30 बज गए हैं, तो चलिए डिनर करने चलते हैं। अभी हम लोग खा रहे चिकन रोल, ये करके हम यही है हमारा डिनर। ज़्यादा हम भी नहीं खाएंगे, वहाँ पर मैम भी खा रही हूँ। तो अभी हम लोग डिनर करने के बाद चले जाएंगे होटल में, फिर हम लोग सो जाएंगे।